नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। जानकारियों का जैसे विस्फोट बीते डेढ़ दशक में हुआ है, वैसा कभी नहीं हुआ। इस दौरान मीडिया का नए नए रूपों में विस्तार हुआ है। आपके फोन से लेकर कंप्यूटर और टीवी तक पर हर वक्त किसी न किसी तरह से जानकारियों की भरमार रहती है। लेकिन ये जानकारियां कितनी सही होती हैं, सच्ची होती हैं, कितनी झूठी होती है, क्या हम इस पर ध्यान देते हैं? क्या हम कभी सोचते हैं कि एक गलत जानकारी किस तरह भारत जैसे विविध प्रांतों, संप्रदायों, जातियों और भाषाओं वाले देश में घातक साबित हो सकता है? ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब गलत जानकारियां कई लोगों की जान पर भारी साबित हुई हैं। कितनी बार गलत जानकारियां दंगों और मारपीट की वजह बन जाती हैं, किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ जनभावना को उकसाने का कारण भी बन जाती है। पिछले ही साल जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो दिल्ली में तबलीगी जमात को लेकर मीडिया के एक वर्ग ने ऐसा माहौल बनाया जैसे तबलीगी जमात ही कोरोना फैलाने का जिम्मेवार। सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी जमात से जुड़े उसी मुद्दे की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मीडिया और खासतौर पर वेब पोर्टल्स को लेकर गंभीर चिंता जताई है और कई सख्त टिप्पणियां की हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वो केंद्र को निर्देश दे कि वो दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात को लेकर फेक न्यूज़ के प्रसार पर रोक लगाए और गलत जानकारियां फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस मसले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि समस्या ये है कि मीडिया का एक वर्ग इस देश में हर चीज़ को सांप्रदायिक कोण से ही दिखाता है, ये समस्या है। इससे अंत में देश की छवि ही खराब होगी। वेबसाइट को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि वेब पोर्टल सिर्फ ताकतवर की आवाज सुनते हैं और जजों संस्थाओं के खिलाफ बिना जवाबदेही के कुछ भी लिखते हैं। वेब पोर्टल्स को सिर्फ ताकतवर लोगों की चिंता होती है, जजों संस्थाओं या आम लोगों की नहीं, ये हमारा अनुभव है। व्यक्ति तो भूल जाइए, वेब पोर्टल संस्थाओं के खिलाफ भी बहुत खराब लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने YouTube, Facebook और Twitter का नाम लेते हुए कहा है कि वेब पोर्टल्स की कोई जवाबदेही नहीं है और वो हमारा कभी जवाब नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर फेक न्यूज को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि YouTube चैनल्स और वेब पोर्टल्स में फेक न्यूज और किसी को बदनाम करने को लेकर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप YouTube पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि फेक न्यूज़ कितनी आसानी से फैलती है और कोई भी YouTube पर अपना चैनल शुरू कर सकता है। मैंने कभी नहीं देखा कि वेब पोर्टल्स ने फेक न्यूज़ को लेकर कोई कार्रवाई की हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अब वेब पोर्टल्स की मनमानी से निपटने के लिए सरकार ने कोई सिस्टम बनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों के लिए तो व्यवस्था है, लेकिन वेब पोर्टल्स के लिए भी कुछ करना होगा। तो इसी मसले को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो चीफ जस्टिस ने चिंता जाहिर की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रतीक सिन्हा हैं, संस्थापक हैं ऑल्ट न्यूज के। निखिल पावा हैं, संस्थापक हैं मीडिया नामा के। और रशीद किदवाई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रतीक, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आप खबरों को फैक्ट चेक करते हैं कितनी सही कितनी गलत। आज हमारे चीफ जस्टिस ने जो चिंताएं जताई हैं उनकी टिप्पणियां आपने भी सुनी, वाकई में गंभीर बात है, ये मसला है। हाल के दिनों में अगर हम कहें, जिस तरह से सोशल मीडिया और जिस तरह से हमारे फोन पर तरह तरह की खबरें आ जाती हैं, क्या आपने पाया है किस फैक्ट न्यूज़ या गलत है या सही, कितनी आप चेक कर पाते हैं, क्या आपका अनुभव है, आपकी टीम का अनुभव है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है वो एक्चुअल इश्यू है, वो प्रॉब्लम है कि ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स है जो एक टारगेटेड वे में मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करती है या मार्जिन एक बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट स्टैंड लेती है और कोई भी एक एंटी गवर्नमेंट यानी कुछ भी क्रिटिसिज्म हो गवर्नमेंट को उसको किसी भी तरह से दबाने की कोशिश करती है। ये एक कांस्टेंट इशू रहा गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में नहीं है क्योंकि जो वेबसाइट्स जो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से पूछ रही है कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हो, लेकिन ये जानी हुई बात है कि जो लगभग काफी सारी वेबसाइट जो वेब पोर्टल्स जो ये गलत खबरें फैला रही है काफी गवर्नमेंट के सपोर्ट से फैला रही है। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है ये सब वेब पोर्टल से रीट्वीट करते हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट इशू नहीं है।
जो सबसे ज्यादा जो गलत खबरें अभी आ रही है, जो इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं, ये सब वहां गवर्नमेंट का आइधर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट रहा है, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट रहा है। तो वाइल ये इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो आईटी रूल्स गवर्नमेंट लाना चाहती थी उसके लिए एक इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रही है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि काफी इंडिपेंडेंट वेब पोर्टल्स ने ये आईटी रूल्स के खिलाफ यू नो आर्ग्यूमेंट्स किए कि कैसे दिस इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। और मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो प्रेजेंट स्टैंड है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसको सपोर्ट के लिए है। ठीक है प्रतीक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कुछ हम दृश्य दिखा रहे हैं ये आपके ट्विटर अकाउंट से और जो आपने फैक्ट चेक करी वो खबरें हैं। अब जैसे एक राजस्थान सरकार का एक ट्वीट है जो कहा ये जा रहा है कि सरकार ने कहा है कि जो मदरसे हैं और जो मस्जिदें हैं उनको संरक्षित किया जाएगा, उनके खिलाफ कुछ तोड़फोड़ होगी, तो आपने फैक्ट चेक किया है। या फिर उज्जैन में एक जुलूस निकलता है उसमें कहा जाता है पड़ोसी देश के लिए नारे लगते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि वो नारे अलग थे। तो थोड़ा बताइए, अगर मैं खबरों की बात करूं, क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा है कि मीडिया का एक सेक्शन है जो सांप्रदायिक रंग हर चीज को देना चाहता है, तो उस लिहाज से जरा थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसमें अगर ना भी जाएं, अगर हम बीजेपी या किसी सरकार का नाम ना भी लें, लेकिन अगर हम देखें कि किस तरह से किसी पोर्टल पे खबर गलत आ रही है, एक आम उपभोक्ता जो नागरिक है वो खबर को कैसे लेता है, क्योंकि भड़काऊ देना एक वेब पोर्टल है, वो एक भड़काऊ खबर देना चाहता है, वो ऐसी खबर देना चाहता है जिससे वो लोगों को आकर्षित करे। तो जैसे ही मैंने आपके उससे दो तीन ली है कि अब जैसे नीरज चोपड़ा के लिए कि वो मराठा वंशज हैं, तो जरा थोड़ा बताइए कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सही तरीके से खबर को लेना, थोड़ा बताइए कि क्या पाया आपने फैक्ट चेक में जब ये तस्वीरें आप ये डाल रहे थे। तो नहीं, तो देखिए हम लोग तो करीबन 4-4.5 से फैक्ट चेक करते आ रहे हैं और डे वन से हम लोग का यही ऑब्जर्वेशन है कि जो गलत खबरें आती है वो यूजुअली कम्युनल होती है नेचर में। वो हम लोग की मेजॉरिटी, आई वुड से एटलीस्ट 40-50% जो हम लोग फैक्ट चेक करते हैं वो इसी रीजन से मैन्युफैक्चर होती है ताकि दो रिलीजन्स के बीच में भेदभाव पैदा किया जा सके। और ये एक ऑर्गेनाइज मैनर में होता है क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है यूजुअली जो भी लैंग्वेज होता है वो दैट इज वेरी प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, तो वो लोगों को प्रोवोक करने के लिए वो लैंग्वेज यूज किया जाता है ताकि लोग इमोशनल हो और उस चीज को बिलीव करें, क्योंकि वो एक रैशनैलिटी खत्म हो जाती है। जब एक इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं तो एक रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, तो इसलिए एक डिजाइन के हिसाब से इसको कम्युनल नेचर दिया जाता है। और हम लोग का तो यही कहना है कि जब भी ऐसा कुछ कम्युनल, जब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिससे आपको बहुत ज्यादा एक इमोशनल स्टेट लगी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी से बहुत घृणा हो रही है, आपको सब समय यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक और देखना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको वापस वेरीफाई करना चाहिए। और ये एजुकेशन का सवाल ज्यादा है कि कैसे आप किसी एक कंट्री में कैसे आप मीडिया लिटरेसी बनाएंगे, जब आप जानते हैं कि काफी ऐसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब डाल रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप जैसे यूएस में काफी ऐसे न्यूज पोर्टल्स है जहां बहुत एंटी वैक्सीन इन्फॉर्मेशन आती है और वो इन्फॉर्मेशन इंडिया में कुछ कुछ लोग इंटरनाइज करते हैं और बाद में अफवाह फैलाते हैं, उससे बाद में इंडिया में जो और एक तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके ऊपर इफेक्ट होता है, मगर ओरिजिनली जो काफी एंटी वैक्सीन इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है वो यूएस से फैल रही है, मगर वहां तो भी अभी लगभग 67% वैक्सीनेशन हो चुका है। सो देयर इज यू नो कि जरूरी है कि लोगों को पढ़ाया जाए कि कैसे इन खबरों से बचा जाए, कैसे यू नो इनको पढ़ा जाए, कैसे कौन सा वेबसाइट बेटर है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यही तो बात है कि कितने लोग ये डिसीजन ले पाते हैं कहाँ देखना है कहाँ नहीं। निखिल पावा आप हमारे साथ हैं, संस्थापक हैं मीडिया नामा के। निखिल आप बताइए, आज आप चीफ जस्टिस के जो कमेंट्स हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या चिंतित हैं कि वाकई में इससे जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ता है, क्योंकि एक कोई अगर ऐसा खबर आती है तो उसे सिर्फ एक तबका एक शहर ही नहीं प्रभावित होता, उसका असर पूरे राज्य में हो सकता है, पूरे देश में होता है। जी निधि, मैं तो काफी आश्चर्यचकित हूँ कि सीजीआई ने ऐसी टिप्पणी दी है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है
कि अगर कोई दंगा फसाद कराए या फिर कुछ ऐसी टिप्पणी दे जिससे दंगा फसाद हो जाए, तो देश में उसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई कानून ही नहीं है। है, हर एक कानून है। अगर आज के दिन में कोई स्पीच देता है जिसकी वजह से कोई दंगा फसाद होता है, तो उसके लिए कानून है। उसी तरह से अगर आप कोई अगर चैनल पे कोई 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 बोलता है तो उसके लिए कानून है। अगर कोई वेब पे कुछ लिखते हैं तो उसके लिए कानून है। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून नहीं है, और बस ये है कि सरकार कानून को लागू नहीं कर पा रही। आज के दिन में अगर मैं सड़क पे जाके कुछ बोलूं गलत और मेरे अगेंस्ट FIR दर्ज हो सकती है, उसी तरह से अगर कोई YouTube चैनल पे कोई कुछ बोले या कोई वेबसाइट पे कुछ लिखे, उनके अगेंस्ट भी FIR दर्ज हो सकती है, उनके कानून है। तो चीफ जस्टिस बोल क्या रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको किस टाइप का नियंत्रण चाहिए इन वेबसाइट्स पे जो पहले से नहीं है। अगर कोई कुछ भी इलीगल बोल रहा है, अगर कुछ भी गैर कानूनी बोलता है, उसके लिए देश में कानून है। ये जैसे कि प्रतीक ने कहा, सरकार कुछ महीने पहले IT रूल्स लेकर आए थे, वो IT रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो गैर कानूनी रूल्स हैं। जो हमारा जो IT एक्ट है उसके ऊपर ये रूल्स बनने थे, पर रूल्स और एक्ट में बहुत फर्क है। और रूल्स और जो रूल बनते हैं वो जो IT एक्ट है उसके तहत होने चाहिए, पर वो नहीं है। इसलिए ये अभी केसेस दर्ज काफी NGOs ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी केस डाले हैं कि ये IT रूल्स गलत हैं। और अगर लेकिन हमारा चीफ जस्टिस बिल्कुल आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, जो प्रतीक भी कह रहे हैं कि IT रूल्स जो हैं क्या उसका अब दायरा बढ़ाया जाएगा, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि CJI ने ये भी कहा है कि जवाबदेही जो ये मीडिया पोर्टल्स हैं या ये जो लोग अपना चैनल शुरू कर देते हैं, वो उनकी जवाबदेही कहाँ बनती है? कानून है, जैसे हमारे टेलीविजन के तो लिए, जैसे हमारे टेलीविजन है, कानून है, जैसे हमारा टेलीविजन है या अखबार है, वो एक उस दायरे में आते हैं। लेकिन क्या जो ये वेब पोर्टल्स हैं, उनका ये कहना है कि जजों के भी खिलाफ लिख लेते हैं, ये संस्थाओं के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन इन पर इनके लिए एक तंत्र होना चाहिए। नहीं, देखिए, उसके लिए कानून है। अगर अगर वो जजेस के खिलाफ लिख रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। अगर वो कुछ भी गैर कानूनी बोल रहे हैं तो हमारे IPC उन पे लगा सकते हैं। कानून तो है, कहाँ कौन सा कहाँ कानून नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। चीफ जस्टिस कैसे बोल सकते हैं कि कानून नहीं है? श्रेया सिंगल का जजमेंट 2015 में आया था, उसमें उसमें कानून को स्पेसिफाई किया था कि किस तरह से ये कानून लागू होगा। IT एक्ट में पावर है कि इन इन पोर्टल्स को रेगुलेट करें। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि चीफ जस्टिस बोल क्या रहे हैं। आज के दिन में TV चैनल्स के लिए सिर्फ अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस के तहत कुछ रूल्स बने हुए हैं, पर आप न्यूज़पेपर्स के लिए देखिए, कोई कानून नहीं है उनके लिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, लेकिन क्या उनको अमल में लाया जाता है कि नहीं, ये अहम है, ये अहम है। और प्रतीक ने उस ओर इशारा भी किया था। तो राशिद तो, किदवई तो जी, अगर किसी को कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाए, अगर जज को प्रॉब्लम है तो वो तो मतलब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है तो उनपे कार्रवाई करे। कानून तो है कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा था, क्या चीफ जस्टिस को कानून नहीं पता क्या? आपकी ये बात है रशीद किदवई, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो चीफ जस्टिस ने चिंताएं जताई हैं, आपने प्रतीक को सुना, आपने यहाँ पर निखिल को सुना है, आपके जहन में क्या चिंताएं? क्योंकि हमने देखा है कि जब वेब पोर्टल्स इस तरह की वीडियो या खबरें छापते हैं, उससे लोग भड़क जाते हैं, उससे कितनी बारी दंगों को बढ़ावा मिल जाता है, उससे जान पर लोगों की बनाती है। तो उस लिहाज से क्या ये जरूरी नहीं थी उनकी टिप्पणी? निधि, देखिए, हमें इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखना होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास कानून है, वो आज भी मुझे पता नहीं कि वो जमीयतुल उलमा ने उसमें कोई पेनल्टी क्लॉज लगाया था। अगर कुछ कुछ करोड़ रुपए का अगर डैमेजेस हो जाते हैं, तो देखिए सारे कमर्शियल वेंचर्स होते हैं, चाहे
पोर्टल्स हों, चाहे चाहे टेलीविजन चैनल्स हों, चाहे दूसरे मीडिया हाउसेस हों, और उससे वो खुद एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा अगर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई जाए। समस्या ये आती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। दरअसल सरकार और जो राजनीति का जो मामले हैं वो संवेदनशील मामले हैं, उसमें बहुत कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन प्रतीक सिन्हा साहब ने काफी कुछ कह दिया। जो लोग नफरत फैलाते हैं या खुलेआम हेट करते हैं उनको देश के सर्वोच्च पद पे रहने वाले लोग उनको फॉलो करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस है, कानून नियम बहुत सारे हैं, लेकिन उसका सिलेक्टिव यूज होता है। अब ये चीज जो है ना, इसका कोई अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि इसका देखिए निधि हमें ये देखना होगा कि जो नफरत की जो खेती हो रही है इसका लाभ किसको हो रहा है, उसकी राजनीति के पीछे लाभ किसको हो रहा है। अगर हम वो सारी चीजें परत दर परत देखेंगे तो हमें सब नजर आ जाएगा कि इसके पीछे पूरा खेल क्या है। एक राशिद जी, उसूली तौर सवाल से तो तो मैं यही देखिए है एक लाइन में कह सब सकता हूं कि जी। एक 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 मैकेनिज्म, रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए हाँ और फाइनेंशियल पेनल्टीज का क्लॉज होना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं, लेकिन उसको उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा निधि? नहीं, बहुत बड़ी बात आपने बोली है, फाइनेंशियल पेनल्टी का क्लॉज। क्योंकि देखिए, अब अपने नेताओं को कह सकते हैं कि आप लोग भड़का रहे हैं या आपकी छत्रछाया में ये हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन मीडिया पोर्टल्स का क्या, जो रोज आए दिन इस तरह की अगर भड़काऊ चीजें डाल देती हैं सिर्फ लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, विवादास्पद चीजें डालती है जिससे आईबॉल ज्यादा आए, क्या ऐसा है? प्रतीक, फिर मैं आ रही हूं निखिल आपके पास। जी हाँ, एक तो मुझे ये बात कहनी है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, बट पहले ये बात कहनी है कि जजों के खिलाफ लिखना या संस्थाओं के खिलाफ लिखना कोई गलत बात नहीं है, वहां भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कितनी संस्थाएं काम नहीं कर रही, कितने जज कैसे कैसे हम लोग के जजमेंट्स देख मिल रहे, तो जजों के खिलाफ लिखना या संस्थाओं के खिलाफ जो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, वो पहली बात। दूसरी बात, अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस पे रोक लगाना है तो उस पे जो अभी जैसे मेरे कलीग है मोहम्मद जुबैर, उनके ऊपर दो बिल्कुल गलत केस कर दिए गए हैं, तो वो किस कानून के तहत के, कोई कानून है, कानून है उसके तहत ही तो किए, दो गलत केस कर दिए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ऐसे पोर्टल्स है जो जो सबसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनको प्रमोट करते हैं और वो सबसे ज्यादा नफरत फैलाते हैं। तो आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो आप बेस से सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, आप बीच में सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। बेस कहाँ है? बेस ये है कि एक जो राजनीति हो रही है देश में, उसको ये वेब पोर्टल से बढ़ावा दिया जा रहा है। वो जो ये वेब पोर्टल जो इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन, उससे इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, इंडिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके लिए काम कर रही है, और अगर उसके लिए काम कर रही है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन को आप नहीं फिक्स करोगे और जो पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको आप रिस्पॉन्सिबल मानोगे, उनसे ही जवाब पूछोगे कि इसका क्या जवाब है, तो उसे क्या हो सकता है। बिल्कुल, जो मैं निखिल आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो रशीद सर ने कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई एक फाइनेंशियल पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ संरक्षण है राजनीति का, राजनीति में ध्रुवीकरण किया जाता है, वो अपने आप में चाहे चुनावों के करीब हम देखते हैं कि इस तरह का ध्रुवीकरण आए हमें देखने को मिलता है, बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं चुनाव और ध्रुवीकरण पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब यूट्यूब है वो शुरुआत हुई 2005 में, 2018 तक 18 करोड़ सिर्फ मोबाइल पे उसके यूजर्स हो गए थे, और जो आर्टिकल में पढ़ रही थी 2019 में लिखा हुआ कि 2 साल में ही 7 करोड़ सिर्फ मोबाइल में यूट्यूब के व्यूअर्स हुए। फेसबुक ट्विटर इंट्रोड्यूस 2016, और 2017 तक फेसबुक का सबसे बड़ी ऑडियंस पूरे विश्व में हमारे यहाँ थी। तो क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है और इसका विस्तार सोशल मीडिया का इतना तेजी से हुआ है, क्या ये एक वजह मानी जा सकती है कि जो मीडिया पोर्टल्स हैं वो भी अपना जो दायरा बढ़ाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इस तरह की खबरों का ज्यादा प्रयोग करते हैं? नहीं, देखिए, YouTube और मीडिया पोर्ट जो वेबसाइट्स हैं उसमें फर्क होता है। YouTube एक जरिया है, एक माध्यम है, तो आप क्या माध्यम को पिनलाइज करेंगे? उस माध्यम से कोई कुछ बोल रहा है, अगर मैं फोन पे किसी को कुछ बोलता हूँ तो उसमें फोन की क्या गलती है? अगर मैं अपना वीडियो ऊपर YouTube पे डाल रहा हूँ, मैं उस पे कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो गलती तो मेरी है ना, YouTube की कहां से हो गई?
तो जिम्मेदारी मेरी, जवाबदेही मेरी। तो अगर कोई ऐसा है जिसने कानून तोड़ा है, जैसी स्पीच बोली है जिससे जिससे दंगे हुए हैं, तो उनको पेनल्टी करिए ना। प्लेटफॉर्म की क्या गलती है इसमें? उसमें अगर आपको ऐसा करना है तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है, जियो है, वो भी तो यही काम करते हैं। आप उनको यूज करके आपकी स्पीच डाल रहे हो, उनको यूज करके आप वेबसाइट पे कुछ लिख रहे हो, तो आप किस किस को पकड़ोगे? जिसने कुछ गलत किया है उसको पकड़िए, और फाइनेंशियल पेनल्टी मत लगाइए। जिसने दंगा फसाद करने की स्पीच दी है उस पे क्रिमिनल पेनल्टी डालिए ना, जेल में डालिए। कौन बोल रहा है कि उनको पनिश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पॉइंट ये है, कानून है, पर कानून को लागू कौन करेगा? बिल्कुल, कंप्लेंट, देखिए मतलब इशारों आज के इशारों दिन में में सब बोलते चीफ रहते कि ये ठीक कर रहा है, कोर्ट में ये भी उन पे कहा गया केस चीफ केस कौन जस्टिस ने कि करेगा? भाई जो ताकतवर है उसका साथ। रशीद सर, मैं आखिरी सवाल आप ही से पूछ रही हूँ। अब चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी में ये भी बहुत अहम बात कही है कि जो जवाबदेही जो ताकतवर की ही सुनते हैं, है ना, तो जो उनके मन की चिंता है उसको तरह परते हैं इसमें। और ये तमाम मामले जो हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, आज ये कोर्ट में हुआ, वो तबलीगी जमात के मामले से शुरू हुआ और तभी वो सांप्रदायिकता की वाली बात भी आई आज कोरोना के दौरान, जिस तरह से तमाम कई मीडिया चैनल्स ने दिखाया था और न्यूज़ वेबसाइट से दिखाया था। तो जो ताकतवर, जो उन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए ताकतवर की सुनवाई होती, ताकतवर के अंदर ही आ जाते, तो वो बात भी कह रहे हैं, वो चेतावनी भी दे रहे हैं, बड़े बड़े आलाकमानों को चेतावनी भी दे रहे हैं इसकी। निधि, देखिए वो तो एक जबानी जमा खर्च है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रतीक जी कह रहे थे, देखिए वेबसाइट्स की तरफ से भी जो होता है उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट होता है। सबसे बड़ी बात तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें देखिए जो जो ये पूरी तबलीगी जमात के खिलाफ जो ये कैंपेन या वातावरण बनाया गया, ये वेबसाइट से नहीं बनाए, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से बनाए। इस चीज को हमें समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक उनके ऊपर, मतलब उनके प्रोपराइटर्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं पड़ेगी, वो इसमें सुधार नहीं होगा। खेत जताने से कोई फायदा नहीं है। तो सबको ये एक ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको बारे में किसी को पता नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि नफरत की खेती जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है और सूट करता है। और आप देखिएगा कि आज के जो भी हम चीफ जस्टिस को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन आ करके जैसे प्रतीक जी कह रहे थे, ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि जो लोग जो थोड़ी हिम्मत दिखा करके सरकार के खिलाफ या इस वातावरण के खिलाफ बोलने आते हैं उन्हीं के ऊपर नकेल कसी जाएगी। तो ये बहुत ही अजीब टाइप का वातावरण है ये। बिल्कुल आपकी ये बात है। प्रतीक, आप कुछ कह रहे हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स? जी प्रतीक। नहीं, और मैं और एक ये चीज सिर्फ सरप्राइजिंग बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट से बोला जा रहा है कि सिर्फ पावरफुल की सुनवाई होती है, जुडिशियरी इज वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, कि जुडिशियरी का इतना इतना स्तर गिर गया है कि इट हैज स्टॉप बीइंग अ पिलर। जुडिशियरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सपोज टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, विच कीप्स द डेमोक्रेसी इन चेक। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो लोग के भी पास पावर नहीं है। आई मीन दिस इज वन यू नो वेरी सरप्राइजिंग थिंग। मैं एक जो निखिल जो कह रहे थे, थोड़ा उनसे असमर्थ हूं कि जो मैं मानता हूं कि प्लेटफॉर्म एक इंटरमीडिएट है, मेन जो प्रॉब्लम है जो लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं, लेकिन जो इंटरनेट और फेसबुक का जो कंपैरिजन है वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि इंटरनेट इंटरनेट एक एल्गोरिदम, यानी आप क्या देख रहे हो वो एक एल्गोरिदम से कंट्रोल नहीं है, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा में एक एल्गोरिदम से कंट्रोल है जो ये कंपनीज कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल और वहां कंसिस्टेंटली देखा गया है कि जी, कैसे भड़काऊ चीज है। यूएस में जैसे देख लीजिए, यूएस यूएस में बहुत बार बताया गया कि कैसे जो यूएस में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो दिखा दिए कैसे जो सबसे भड़काऊ चीज है वो फेसबुक में सबसे ऊपर आता है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि जवाबदेही नहीं है, लेकिन प्राइमरी जवाबदेही जो कंटेंट डालते हैं उन लोग की है। बिल्कुल, आप सभी जुड़े, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ये हमें बिल्कुल समझने की जरूरत है कि जब हम किसी तरह की खबर पढ़ते हैं, नेता अपनी नेतागिरी अपनी उसको चमकाते हैं एक तरफ, लेकिन अगर हम उससे भ्रमित हो रहे हैं या हम उससे भड़क रहे हैं, हमें कुछ समय लेकर फिर उस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। समझने का समय अब इस समय आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज कहा है, चीफ जस्टिस ने जिस तरह से चिंता जताई है, वो अपने आप में बहुत गंभीर संकेत दे रही है। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए इतना ही, छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत अहम खबर आपको दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संदिग्ध वायरल बुखार का जबरदस्त कहर है। अब तक यहां कम से कम 60 मौतें हो चुकी हैं, मरने वालों में अधिकतर बच्चे हैं। 42 मौत तो अकेले फिरोजाबाद जिले में हुई है। मथुरा में भी अब तक 15 की हो चुकी है। मथुरा के एक गांव कोह गांव में अब तक इस संदिग्ध वायरल बुखार से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। गांव में मातम पसरा हुआ है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मथुरा से ग्राउंड रिपोर्ट। मथुरा के कोह गांव में मातम का माहौल है। 40 साल की कमलेश की चीखें दिल को चीर देती हैं। जिस बच्चे को सीने से लगाकर पाला, उसने आज सुबह बुखार से दम तोड़ दिया। बच्चे की उम्र मात्र 11 साल थी। पिता हरिचंद्र बताते हैं कि पहले बच्चे को बुखार आया तो घर में ही दवाई दी, जब बुखार नहीं उतरा तो आगरा ले गए, लेकिन सब बेकार रहा। लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टरों ने दो गोली दे दी और एक छोटी सिरप दे दी, भाई इसको ले जाओ, तुम्हारा लड़का बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको दे देना, पेट का दर्द बंद हो जाएगा, आपका लड़का सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लेके आ गए, आके गोली दे दी हमने उसको, तो उसकी हालत और ख़राब हो गई। तुरंत हम हॉस्पिटल लेके आगरा चले, तो लगभग हमने सुबह 10 बजे करीब भर्ती किया था और दूसरे रात में 5 बजे करीब ख़त्म हो। बहुत दिल भीतर से रो रहा है यार, अंदर से रो रहा है बहुत ज़ोर से। आँखों के सामने से बेटा गया है मेरा, तो रो अंदर से रो रहा हूँ ये मान लो। 55 साल के शिवराम के आंसू थम नहीं रहे। इनका 14 साल का बेटा आगरा के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। शिवराम के परिवार में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को अब बुखार है, बुखार जब बर्म आ जाते हैं, फेफड़े पे लीवर पे, लीवर पे प्लेट डाउन होते हैं, दस्त होते हैं, उल्टी होते हैं। अब जो मान लो भाई वे बच्चा खतरा में पहुँच नहीं होता है। अब जो बच्चे भाई कहा जो जिनी जी कहाली तो ये डर लग रहा है, बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं आप। अब ये बताओ बच्चा जब बच्चे ही ना रहेगा तो उसको लगेगा। कोह गांव में बुखार से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात इस कदर खराब हैं कि गांव से 60-70 परिवार अपने घरों में ताला बंद करके पलायन कर चुके हैं। गांव में कई बच्चे अब भी बुखार से बेसुध पड़े हुए हैं। 11 बच्चों की मौत हो चुकी है गांव के अंदर और 150 बच्चे लमसम एडमिट हैं हॉस्पिटलों में, जैसे आगरा है, मथुरा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। सरकारी में तो वो जा ही रहे नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा है, यहाँ से भेजते हैं CMO भी। अभी एक 5 दिन के बाद आज आई थी, एक बच्चे को वो लेके गई थी और वो यहाँ से CSC छोड़ के चले गई उसको। गुरुवार सुबह मथुरा की CMO डॉक्टर रचना गुप्ता गांव का मुआयना करने पहुंची तो ग्रामीणों ने उनका जबरदस्त विरोध करते हुए उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। हम भी मथुरा में CMO साहिबा से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और गांव में इलाज के लिए अस्पताल बनाया गया है। बुखार से कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद हमने तुरंत गाँव में ही हमने चिकित्सा इकाई अपनी रखी और गांव में ही उपचार सुनिश्चित किया सभी बच्चों का। इसमें कुछ लोगों को डेंगू का एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आया है और कुछ लोगों में स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के वो उसमें जांच में आया है। अब जरा सरकार द्वारा गांव में बनाए गए अस्पताल की हम आपको हकीकत बताते हैं। ये देखिए, बेड के नाम पर सिर्फ 4 चारपाइयां पड़ी हुई हैं, ना गद्दे हैं ना चादर। क्लिनिक के नाम पर बस प्लास्टर किया हुआ ये कमरा है। मौजूद डॉक्टर भी लापरवाह, बिना मास्क लगाए बैठे नजर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर रोज बुखार से बच्चों की मौत हो रही है। ये आंसू एक बाप के हैं, इन्होंने अपना 11 साल का बेटा खोया है, किसी ने अपना नाती खोया है, किसी ने अपना पोता खोया। आप देखिए आंसू, देखिए वो भी रो रहे हैं यहाँ पर। सरकार खाना पूर्ति के लिए काम करने के दावे तो कर रही है, पर यहाँ आप आएंगे तो आपको घरों में ताले नजर आएंगे और मजबूर
घर वालों की आंखों में आंसू। सहयोगी सौरभ गौतम और शशिकांत के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।